माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक और नई वैकेंसी की अपडेट के साथ मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। तो गाइज, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हॉल की तरफ से, हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकल कर आई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर आपको समझाया भी था कि वो वैकेंसी जो थी वो हमारे बेंगलोर की थी और हैदराबाद डिवीजन की थी, और ऐसे ही एक नासिक डिवीजन की भी निकली हुई थी। लेकिन अब जो हमारी वैकेंसी निकल कर आई है लखनऊ की साइड से, आपको बताऊँ HAL जो है वो हमारे एक नवरत्न में से है, तो इसके 20 लगभग 20 डिवीजन है। तो उन 20 डिवीजन में से तीन की मैंने आपको पहले इंफॉर्मेशन दी थी, अब एक और डिवीजन लखनऊ डिवीजन की हमारे पास रिक्रूटमेंट निकल कर आती है। आप ऑफिशियल साइट से ही इसकी जानकारी लेंगे। यहां पर नीचे ये हॉल की मैंने आपके लिए ऑफिशियल साइट खोल के रखी है, यहां पर आ जाइए। 26 तारीख की ये नोटिस का था, 26 का। इसमें क्या है कि ये डिटेल नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलेटेड टू एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन नॉन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर फॉर हॉल असेसरी डिवीजन लखनऊ। तो यहां पर जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पूरी नोटिफिकेशन खुल के सामने आ जाएगी। तो इस एक बार इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है, वही की वही चीजें आपके लिए उसने बोली हुई हैं। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो एक एक करके आपको इसकी पूरी डिटेल बता दूं कि जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 20 डिवीजन हैं, 20 में से जैसे हमारे तेजस और हमारे किसके लिए, यानी कि बेंगलोर और हैदराबाद डिवीजन के लिए पहले निकल कर आई थी, अब जो है वो हमारी किसके लिए निकल कर आई है, यहाँ पर आपके सामने असेसरी डिवीजन लखनऊ की। तो यूपी के बच्चों के लिए अच्छा बेनिफिट है भाई, क्योंकि ये हालांकि इसमें ऑल स्टेट के, मतलब हर पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इसका एग्जाम जो है वो लखनऊ के ही किसी पार्ट में होने वाला है एग्जाम भी, और मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपकी जो पोस्टिंग वगैरह है वो भी यहां लखनऊ में आने वाली है। तो जो खासकर अपने यूपी से रिलेटेड लखनऊ से कैंडिडेट्स हों वो जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। क्या क्या किस किस के लिए है ये भी अब आपको बता देती हूं। सबसे पहले ये निकली है D6 यानी कि हमारे असिस्टेंट एडमिन स्टाफ के लिए। असिस्टेंट सारी पोस्ट टेन्योर बेसिस पर है, टेन्योर बेसिस का मतलब 4 साल के लिए आपके पास जॉब है, उसके बाद आपका 4 साल की रिक्रूटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले असिस्टेंट असिस्टेंट की, एडमिन की, फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट की, इसके बाद असिस्टेंट में ही आपकी यहाँ पर इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये भी बता दूं। फुल टाइम मास्टर डिग्री कॉमर्स में, और यहाँ पर मास्टर डिग्री कॉमर्स आपकी रेलेवेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पीसी, ठीक है। यहां पर तो ये उसने 3 महीने का आपका कंप्यूटर का कोर्स भी, ये तो कॉमर्स वालों की हो गई। लेकिन इसके बाद हम बात करूं तो यहां पर आते हैं कि हमारे जो ये हमारी ऑपरेटर वालों की है भाई, ऑपरेटर यानी कि इसमें हमारी ITI मांगी हुई है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए है। आपका C5 वाली पोस्ट जो है, ये C5 वाली हमारी आती है किसके, ITI वालों के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ट्रेड है पहले ये बता दूं आपको। सबसे पहले ड्राफ्टमैन है, फिर फिटर है, इंस्ट्रूमेंट मकैनिक है, इलेक्ट्रीशियन है। ड्राफ्टमैन की एक है जिसमें सिविल से आपका ITI चाहिए होगा ड्राफ्टमैन से ही, और फिटर की भी एक पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की एक पोस्ट, लेकिन इलेक्ट्रीशियन की 11 पोस्ट है भाई। इलेक्ट्रीशियन की आपके लिए 11 पोस्ट है, जिसमें से 5 जो है वो UR की यानी कि अनरिजर्व्ड है, जनरल की आएंगी। फिर इसके बाद आपकी ग्राइंडर की 7, वेल्डर की 2, इलेक्ट्रोप्लेटर की 2। फिर इसके बाद यहां पर कुछ बैकलॉग वैकेंसीज हैं, बैकलॉग वैकेंसीज यानी कि जो पुरानी फिल होने से रह गई थी, उसमें भी इलेक्ट्रीशियन की एक पोस्ट है भाई, और ऐसे ही ग्राइंडर की भी एक पोस्ट है। इन सब के लिए आपको रेलिवेंट ट्रेड में, अपनी रिस्पेक्टेड ट्रेड में ITI की होनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उस पर आ जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैडम, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है आपका 2.5 घंटे का। सबसे पहले यहां पर आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका DV, स्किल टेस्ट, ये सब है। रिटन टेस्ट में आपका जो भी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट के बिहाफ पर ही बनेगी। रिटन टेस्ट कैसे है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 पार्ट्स में। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर
नंबर, फिर इंग्लिश 40 नंबर और फिर 100 नंबर आपके किसके, ट्रेड के भाई। ये तीन पार्ट्स में आपका होने वाला है ढाई घंटे का पेपर, ठीक है, ये याद रखिएगा। सेम हालांकि और सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट हर डिवीजन का सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि भाई पहले बेंगलोर की थी, नासिक की थी, हैदराबाद की, अब जो है वो लखनऊ की आ चुकी है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉर्म कितने का है मैडम, 200 रुपए का आपका फॉर्म रहेगा, या फॉर्म कितने का रहेगा ये ध्यान रखिएगा, 200 रुपए का आपका फॉर्म रहेगा। ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है भैया, कि आपका आपका चाहे रिजेक्शन, फॉर्म में रिजेक्शन होता है, या आपका पूरी पेमेंट आप किसी तरीके से फॉर्म फिल नहीं करते हो, या कुछ भी रीजन रहते हैं, तो आपको ये रिफंड नहीं होगी। एज लिमिट आपकी 28 साल मैक्सिमम, यूआर के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 28 है, एससी एसटी की 33 साल है, ओबीसी ओबीसी में एनसीएल वालों की 31 साल है, हालांकि ओबीसी को भी कई बार आपका यूआर के साथ लिया जाता है, लेकिन यहां पर अलग दी गई है। यूआर के लिए मैक्सिमम 28, एससी एसटी की 33 और ओबीसी नॉन क्रीमी की 31 साल की है। बाकी आपकी जो यहां पर कई सारी जो एज रिलैक्सेशन है वो भी दी गई है, जैसे एक्स सर्विसमैन की हो गई इस तरीके से। तो यहां पर ये भी आपको बता दूं, ये जो एज है वो आपकी 15/9 तक काउंट होगी, 15 सितंबर यानी कि, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताया जैसे आईटीआई की होनी चाहिए, इसमें ये भी बोला गया कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो हो सकता है वहां पर आपके आईटीआई के मार्क्स के आधार पर स्क्रूटनिंग करके भी दे। तो इसीलिए कम से कम आपके 60% मार्क्स, 60% मार्क्स हमारे यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आईटीआई में होने चाहिए, या फिर जो भी कॉमर्स वाले हैं तो उनके उनकी डिग्री में। और ऐसे ही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% मार्क्स जो हैं वो आपके आईटीआई के एग्जाम में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, यहाँ पर ये देखिए उसने लिखा है यूआर के लिए 60% या उससे ज्यादा ही हो, और एससी एसटी के लिए 50% और उससे ज्यादा ही होने चाहिए। एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 question 1 mark है, 1 question 1 mark आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन टेस्ट के बिहाफ पर ही होगा, जो यहाँ पर आपके डीवी के लिए बुलाए जाएंगे उनके आग पर, ये नहीं मानिएगा कि आपका ये कि डीवी है आपका, कि डीवी के कोई नंबर वगैरह फाइनल लिस्ट में जुड़ेंगे, नहीं, डीवी के कोई फाइनल नंबर में, फाइनल में आपके मार्क्स नहीं जुड़ने हैं, फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपका रिटन टेस्ट में स्कोर मार्क्स के आधार पर ही है। अच्छा, ये हुआ। इसके बाद मेडिकली फिट, ये आपको मेडिकल क्राइटेरिया दिया, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट वही है भाई, आपका टेन्योर जो है मैक्सिमम 4 साल का है, 4 साल के बाद आपकी अपने आप ये टेन्योर खत्म हो जाएगा। इन केस अगर कोई डिमांड ज्यादा रहती है कि आपके प्लांट में ओवरलोड है वर्किंग का, तो आपका ये टेन्योर हो सकता है फिर फर्दर नेक्स्ट 4 ईयर के लिए एक्सटेंड भी कर दिया जाए, लेकिन आपका अगर नहीं, ये भी चांसेस हैं कि एक्सटेंड ना भी करें, 4 साल आपके रहेंगे। फिर इसके बाद उसने यही बताया कि आपकी यहां पर ये जितने भी आपकी ज्यादातर चांसेस हैं कि आपकी पोस्टिंग जो है वो लखनऊ, यानी हॉल के जो लखनऊ वाला प्लांट, यूपी वाला प्लांट है उसी में रहेगी, लेकिन अगर हमारी, उसने पहले बोल दिया कि अगर नीड हुई तो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, ठीक। फिर पे स्केल की बात आई, तो भैया यहाँ पर आपको बताऊं, जो हमारे एडमिन पोस्ट थी उसके लिए 23,000 बेसिक पे है, 23,000 की बेसिक पे, और जो हमारी ऑपरेटर आईटीआई वालों की है उनके लिए 22,000 रुपए बेसिक पे है। फिर उसके ऊपर हमारे डीए एचआरए पार्क यानी कैफेटेरिया के भी हैं, और फिर उसने यहाँ पर आपके कुछ मेडिकल एक्सपेंस भी दिए जाएंगे, लगभग 1500 रुपए, अप्रोक्सीमेट 1500 रुपए दे रहा है, और अदर बेनिफिट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी है,
यहाँ पर अगर मैं देखूं बेसिक पे ही ठीक ठाक सी है, 22,000 रुपए, 23,000 रुपए, DRA HRA भी अच्छा खासा रहता है, तो आपका लगभग लगभग पोस्ट एडमिन वालों की बात करूं तो आपका 50,000 के करीब आपके इन हैंड आराम से आता है, तो एक अच्छा अमाउंट है। क्योंकि इसमें और एक चीज और बताऊं, इसमें यहां पर आपका PF भी है भाई, प्रोविडेंट फंड भी है। हालांकि क्योंकि कई बार ये बच्चों को लगता है कि मैम जब 4 साल की पोस्ट है, 4 साल की नौकरी है, तो क्या हमारा PF कटेगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब पर होता है फुल टाइम वाली पे, तो सारा का सारा प्रोविजन सैलरी में आपको फुल टाइम वाला ही दिया गया है। PF भी आपका कटेगा और आपका PF पे भी किया जाएगा, वो आप अपना ले भी सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको TA HRA DA ये सारे दिए जाएंगे भाई। आपको अप्लाई कैसे करना है भाई, अप्लाई आपको यहाँ पर वही उसी बिहाफ पे आपको करना है जो अपनी इसी हॉल की ऑफिशियल साइट पर जाके आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये याद रखिएगा, ऑफिशियल साइट से ही अप्लाई कीजिएगा। 14 तारीख आपको लास्ट डेट है भाई फॉर्म फिल करने की, आपके पास अभी दिन है, इसको फिल आउट कर लीजिए। इसके बाद एक चीज और बता दूं, इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, अगर आप किसी भी बेनिफिट, कोई कास्ट बेनिफिट या किसी के लिए भी आप कोई एक्स्ट्रा या PWD या किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आप यस करते हैं, तो उसका जो आपको प्रूफ देना होगा उसका सर्टिफिकेट इसी में, उनके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो इसी आपकी नोटिफिकेशन के नीचे है पड़ा, तो आप लोग इसी फॉर्मेट के बिहाफ पर यहां पर अपलोड करेंगे, ठीक है भाई। आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर क्लियर हो गई है भाई। यहां पर मैंने आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दी। और ये एक लास्ट चीज और बता दूं कि आपको फॉर्म कब से कब तक भरने हैं भाई, फॉर्म आपको कब से कब तक भरने हैं यहां पे आपको बताऊं, तो ये ध्यान दीजिएगा 26/8 से 15/9, अभी 2 ही सितंबर है, तो आपके पास ये पूरे लगभग लगभग 15 दिन है, तो अपना फॉर्म भर लीजिए भाई। जो खासकर हालांकि अलाउ तो सारे हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अलाउड हैं, बट अगर आप खासकर लखनऊ से हैं तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, अब बच्चे कहेंगे नो डाउट कम नंबर ऑफ पोस्ट कम है, 11 है, एक पे पुरानी लगा लीजिए 12 टॉप पोस्ट टोटल पोस्ट है, लेकिन हमें एक चाहिए। अब भाई यहां पर नो डाउट 4 साल का है, अगर आप अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ कमाई करना चाहते हैं तो आप इसको मैं कहूंगी कि भर लीजिए, जिसको लगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा है तो अपना भरिए इसको, जिसको लगे नहीं तो आपकी इच्छा भाई। याद रखिएगा 26/8 से 15/9 तक आपका फॉर्म भरा जाना है, फॉर्म भर लीजिए, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 200 रुपए का फॉर्म है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ सभी जितनी भी हमारी ये PSU की, स्टेट की, सेंट्रल की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो ITI की हो, JEE की हो, AE की हो, सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ इसी चैनल के माध्यम से, तो जुड़े रहिएगा इसी KGS JEE AE चैनल पर। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।